आज मंकी ने ना बहुत सारे डाल गिरा दिए यहाँ पे ड्रम स्टिक के, और बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स आ गए थे ड्रम स्टिक के। बस ड्रम स्टिक होने वाली थी और बहुत सारे डाल गिर गए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड मैं आप लोगों के साथ आज के व्लॉग को दोपहर में शूट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग से मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने सोचा आज दोपहर से ही व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। पहले मैं करूँगी लंच, उसके बाद मैं जो भी चीज़ें बनानी है ना, फिर किचन में जाऊँगी, क्योंकि एक बार किचन में जाऊँगी तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा दूसरी चीज़ों के लिए, और इसको सुलाना भी है। तो पहले ये सारे काम ख़त्म करती हूँ, फिर जाती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और मुझे बनाना है बिहारी डिश, जो कि है ठकुआ। और ठकुआ ना हमारे बिहार में छठ पूजा के टाइम पे या ऐसे भी बनाया जाता है। तो मैं ठकुआ बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 किलो आटा, और उसमें मैं 1/3 कप जितना इसके अंदर तेल ऐड की हूँ। इसको मोइन भी बोलते हैं, इससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको मैं इस तरह से ऐड करूँगी, पहले इसके चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा करके आटा मिक्स कर रही हूँ। और ये अच्छे से मिक्स करने के लिए इसको दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना रहता है, उसको थोड़ा अच्छे से मलना पड़ता है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तो इस तरह का दिखेगा। और इसको बाइंड अप करते हैं ना ऐसे अपने हाथों से, ऐसे अगर मैं रोल करके देख रही हूँ तो ऐसे मुट्ठी बांध के देख रही हूँ, तो अच्छे से इस तरह का हो जाता है। तो समझ लेते हैं कि हो गया ये। और इसके अंदर 1 किलो के अंदर मैंने ना 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, एकदम थोड़ा सा ज़्यादा और चीनी लिया है। और इसके अंदर मैं बस इतना सा ही पानी डालूंगी, और ये पानी गर्म पानी डालूंगी क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। अब बस जैसे ही चीनी हल्की सी घुल जाएगी ना, ज़्यादा नहीं घुलना है चीनी को, बस कुछ ही सेकेंड के अंदर इसको पूरे में अच्छे से मिला लेना है, और दोनों हाथों को ऐसे रगड़ रगड़ के मिलाना है ताकि आटा अच्छे से मिक्स हो जाए शक्कर के साथ। जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा जो मैंने नारियल काट के रखा हुआ था, सूखा नारियल, वो मैं डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डालूँगी सौंफ, उसको हाथ में अच्छे से मल लेना है और फिर इसको ऐड कर देना है। सौंफ का इस तरह से डालने से ना टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। पूरे आटे को मैंने अच्छे तरह से मिला तो लिया है, और इसके बाद इसके अंदर मैं ना थोड़ा सा गरम पानी ऐड करूँगी, और गरम पानी को ना बहुत थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है। फिर छोटे छोटे से गोले बना लूँगी रोटी के, बड़ी रोटी के जितने। और जब ये रोटी के गोले बन जाएंगे तो सब इतने गोलों को, करीब 10 जितने गोले मैंने बनाए हैं, और उनको एक साथ कढ़ाई में करके मैं इसको ठोक के फ्राई करूंगी। मैं तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं उसको लो और मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करने वाली हूँ। और ये जो सांचा आप देख रहे हैं ना, ये डिज़ाइन बनाने के लिए होता है। इसकी थिकनेस ना इसी तरह की थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए, तभी जाके इसका ना टेस्ट अच्छा आता है। और कढ़ाई में डालने के बाद ना ये फिर टूटते नहीं है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा मोयन डला होता है ना, तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से बाइंड अप हो सके उसी तरह करके इसके लोई को बनाना रहता है, और थोड़ा कड़क भी होना चाहिए। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारे रेडी हो गए हैं, अब मैं इसको फ्राई करूँगी लो मीडियम फ्लेम पे। तेल तो अच्छे से गर्म हो गया था, और इसको गर्म होने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कर देने रहता है, एकदम मीडियम। ठीक वैसे ही जैसे हम बालूशाही या फिर समोसे को तलते हैं, बस वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये फ्राई होने में, लगभग 12 से 13 मिनट जितना। यहाँ पे ये
यहाँ पे थोड़े से ठकुए फ्राई हो रहे हैं, और जब तक ये फ्राई होंगे तब तक मैं यहाँ पे जो आटा बचा हुआ है ना उसको मैं करूँगी, उसको करूँगी लोई, और फिर जाके मैं इसको ऑयल में फ्राई होने के लिए डालूँगी। तब तक बाकी का पूरा फ्राई होता रहेगा, और इसको फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। हो गए हैं फ्राई अच्छे से, बस इसी तरह का ये दिखना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से कुक होने के बाद ये इतने टेस्टी लगते हैं खाने में। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी। और हाँ, आप लोगों में से कितने लोगों ने ना घुगनी वुगनी ट्राई किया है, और अगर मटर की इस तरह की घुगनी और मोगरा दोनों आपने ट्राई किया ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।